जासूसी कहां तक जायज है और इस तरीके की जासूसी के कोई विदेशी कंपनी या दूसरा जो देश है वो हमारे देश के लोगों या बड़े नेताओं की जासूसी करे, इसमें कानून क्या कहता है? अगर आप कानून की बात करेंगे तो ये वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 में जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी जो फंडामेंटल राइट है, हमारे संविधान ने दिया है, उसके हर नागरिक को दिया है। और नागरिक में नेता विपक्ष, नेता प्रतिपक्ष, एमपी, एमएलए किसी को अलग नहीं किया है। नागरिक का मतलब आम नागरिक, सिटीजन भारत का नागरिक है, उसको राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का अधिकार फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 में दिया। और इस बात को लेकर के किसी की रेकी कराना, किसी के ऊपर जासूसी करना या किसी की प्राइवेट चीजों को चोरी छिपे देखना या ट्रैक करना, क्या ये आर्टिकल 21 में आता है कि नहीं आता? 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लियर कर दिया था, ये राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का पार्ट है और किसी की प्राइवेसी को भंग करना, जासूसी करना, ये आर्टिकल 21 का वाले। अगर आपने कानून की दृष्टि से पूछा तो उसका जवाब ये है कि ये मुद्दा गलत है, संवैधानिक है और फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, ठीक है, इसको करने का अधिकार है, ठीक है, राज्य को नहीं, देश को भी नहीं, सेंटर को भी नहीं, स्टेट को नहीं। दूसरी बात आती है कि विदेशों में जाकर की बात कहनी चाहिए कि नहीं। पहली बात तो ये कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की बहुत रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है। अगर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने राहुल गांधी को एक टॉपिक पे लेक्चर देने के लिए बुलाया तो क्या इस बात की तारीफ के लिए करें कि उन्होंने भारत जैसे राहुल गांधी को भी चुना कि वो राहुल गांधी आए और इनके स्टूडेंट को एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेक्चर? तो ये देश के लिए अच्छी बात है, देश के नेता को बुलाने के लिए विदेशों में लेक्चर देने के लिए। अब उन्होंने जो बात कही, मुझे नहीं पता है उन्होंने लेक्चर में क्या कहा, हम लोगों ने शब्द को पकड़ लिया कि उन्होंने फेडरल के ऊपर जो स्टेटमेंट किया। अगर मैं अगेन कानून की दृष्टि से कहूँ तो कानून की दृष्टि में किसी एक वर्ड का नहीं बल्कि पूरे रेफरेंस को देखा जाता है कि किस रेफरेंस में वो बात कही। क्या वो किसी एग्जाम्पल के रेफरेंस में बात कहेगी, क्या एक सीरीज ऑफ थॉट निकली उस पर ये बात निकल के आ गई? अगर जानबूझ के कही गई तो मैं कहूंगा कि गलत, देश के खिलाफ जानबूझ के विदेशों में जाकर के बोलना। और स्पेशली जब ये कोई राजनीतिक सेमिनार नहीं था, ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एक एजुकेशनल टॉक थी और आपको एजुकेशनल टॉपिक पर बोलना था तो वहां पर अभी सब्जेक्ट था, तो टॉपिक विभाग में देख रहा है कि टॉपिक क्या है, उस टॉपिक से राहुल गांधी जी का ये स्टेटमेंट कहीं से रेलेवेंस नहीं करता। या तो टॉपिक होता है कि आप इंफॉर्म डिजिटल टेक्नोलॉजी के बोलने गए हैं, आप डेमोक्रेसी में फंडामेंटल राइट के ऊपर बोलने गए हैं, या आप लॉ पे बोलने गए हैं, तो आप ये बात कह सकते थे, आप ये रेफरेंस दे सकते थे, लेकिन जो टॉपिक था वो था लर्निंग टू लिसन इन 21st सेंचुरी। तो इस टॉपिक पे कंटेंट कुछ भी हो, उस कंटेंट में ट्रेडिशन का रेफरेंस नहीं आ सकता है। अब आप जानबूझ के रेफरेंस लेकर के आए, इसका मतलब आपने इंटेंशनल से बात कही। तो मैं एक नागरिक की नजर से बात करूं तो मैं जरूर कहूंगा कि राहुल गांधी को विदेशों में जाकर के अपने देश के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। और यही बात सबकी पर लागू है, सब पर वही बात है। मैंने शुरू में ही कहा कि देश के बाहर जाकर के देश की बातें विपक्ष के व्यक्ति करे या पक्ष का व्यक्ति करे वो कोई जरूरी नहीं, उससे कोई क्या माइलेज मिलेगा ये भी आज तक पता नहीं लग पाया, लेकिन वहां जाकर के लगता है कि शायद कुछ मेडल्स मिलते होंगे। उस ट्रेन को शुरू कर दिया है सभी पार्टियों ने।